ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, आप देख रहे हो जन क्रांति न्यूज। आज हम पहुंचे हैं उचाणा के वीडियो कार्यालय पर। यहां पर आज स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण चौकीदारों तथा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की जिला प्रशासन के द्वारा एक मीटिंग ली जा रही है। इस मीटिंग के बाद ग्रामीण चौकीदारों ने भी अपनी एक मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है और क्या इसका मकसद है, इस बारे में हम ग्रामीण चौकीदारों से बात करके इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो दुष्यंत चौटाला, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, उनके हलके में हम पहुँचे हैं। यहाँ पर ग्रामीण चौकीदारों ने मीटिंग की है, इस मीटिंग का क्या उद्देश्य था, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश, गांव झील से चौकीदार हूँ, उचाणा प्रधान। आज ये मीटिंग की है ग्रामीण चौकीदारों ने, क्या मकसद है आपका? आज हमारी मीटिंग का मकसद है जी, 15 तारीख ने हरियाणा ग्रामीण चौकीदार सभी इकट्ठे होकर अपनी कुछ मांगों को लेकर भाईचारा एकत्रित करने का निर्णय लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उचाणा नरवाणा से सभी साथी पहुंचकर वहां अपनी भाईचारा को कायम बनाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करने के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आप एक राज्य स्तरीय रैली करने जा रहे हो 18 तारीख को अम्बाला में, क्या मकसद है उसका, क्या कुछ चाहते हो? मैं, हमारा मकसद ये है, जो हमारा चौकीदारों का भाईचारा है, सरकार ने हमारी इतनी बर्बरता कर रखी है कि इसको हम बताने लायक नहीं। खुद समाज देख सकता है हमारे बारे में। 7,000 रुपये में हमें 24 घंटे काम दिया जाता है, दिन रात। कोई भी ऑफिसर आए सरकार से, मन किया तो रात को भी हमें उठा लेते हैं, उसके बाद भी हमारा 7,000 रुपये मान दे कर रखा है। जबकि गवर्नमेंट कानून के हिसाब से ये मानदेय हमारा बिल्कुल ही गुजारे के लायक नहीं है। जो 15 तारीख की हमारी जागरूकता रैली है, उसमें इकट्ठा होंगे, भाईचारे को कायम करके हम 18 तारीख को गृह मंत्रालय के जो प्रभारी हैं अनिल विज, उनके यहाँ रैली का एजेंडा हमारा तैयार हुआ है और उनके दर पे जाके अपनी मांगों का इश्तिहार देंगे। और देखते ये हैं कि सरकार हमारी कहां तक सुनती है। इसके लिए हमने बार बार सरकार को बहुत सारे ज्ञापन दे चुके हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे ये हैं जी, कम से कम हरियाणा ग्रामीण चौकीदार को 24,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो बुनियादी भत्ता हमारे बुड्ढों का चौकीदारों का रुका हुआ है उसको दिया जाए, जो सरकार ने PF और EPF की घोषणा की थी उसको लागू किया जाए, और जो मृत्यु इंद्राज की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने हमें 500 रुपये देने का वादा किया था उसको दिया जाए, और इस 500 में से 200 घटा करके सरकार ने 300 कर दिया है। हम हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं सरकार से, 500 नहीं, कम से कम हमारा 300 तो दे दो। और इसी की मांग को लेकर, इसी के लिए हम इकट्ठा होकर हरियाणा ग्रामीण चौकीदार एकता को कायम करके 15 तारीख की मीटिंग भी करेंगे, फैसला लेंगे, और 18 तारीख की रैली में बढ़ चढ़ कर अम्बाला के अंदर भाईचारा एकता का नारा देकर हम अपने ज्ञापन सौंपेंगे सरकार को। ये हमारी मांग है। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जी सावन, जिला ब्लॉक से, गांव ललितखेड़ा, चौकीदार। तो ये थे ग्रामीण चौकीदार, इनकी मांग है कि इनको 24,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाए। इनके साथ सरकार लगातार इनके साथ नाइंसाफी कर रही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, ग्रामीण चौकीदार जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद।